हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKT केमिस्ट्री में। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बात यह है कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन तो हमसे हो जाते हैं, मुद्दा बड़ा है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन का। और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन का मुद्दा बड़ा नहीं है, बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आखिर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हमारे पेपर में आता कैसे है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो बच्चों देखो, तुम्हारे लिए मैंने प्रीवियस ईयर से छांट कर और कुछ अपने मेमोरी बेस पर मैंने एक पेपर तैयार किया है। लेकिन बेटा, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं पेपर का PDF बना के डालता रहूं, आप नोट करते रहिए, मुझे लिखने में बड़ा टाइम लगेगा। तो मैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, सारे लोग डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, वीडियो को अंतिम तक देखिए आप जरूर। देखो बेटा, सबसे पहले एक बात समझिए, 5 मार्क में मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने चल रहा हूं, आउट है समझ लो, 100% आएगा, गारंटी है, कट नहीं सकता 100%। देखिए 2 क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले तो आप जान के चलो, जो आपका ये चैप्टर है जैविक अणु, इतिहास गवाह है कि यूपी बोर्ड का लास्ट पेपर जैविक अणु से ही आया है, लास्ट क्वेश्चन जैविक अणु से ही आएगा। और याद रहे, आपके सिलेबस से निकल चुका है विटामिन और सिलेबस से निकल चुका है हार्मोन। तो विटामिन और हार्मोन को तो छोड़ ही दो, और कार्बोहाइड्रेट में भी कुछ पार्ट जैसे लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ये सब भी निकल चुका है। तो अच्छा, तब आएगा क्या? देखिए, आएगा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, इसका आप वर्गीकरण बताइए। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, अगर ये अकेला 5 नंबर में नहीं आएगा तो ये अपने कई पार्ट लेकर आएगा, ये अपने कई पार्ट लेके आएगा। क्या आएगा? पार्ट में आएगा कि बताओ कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में क्या अंतर है, संरचना में अंतर ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दूसरा क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए कि C6H12O6 ग्लूकोज में 5 OH समूह है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल समूह होता है। सिद्ध कीजिए कि कार्बन की सीधी श्रृंखला पाई जाती है, स्ट्रेट चेन पाई जाती है। इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद आप समझिए, उसके बाद हमसे पूछ सकता है क्या होगा ग्लाइकोसिडिक बंद से आप क्या समझते हैं। अगर ये 5 नंबर में आएगा तो ठीक है, अदरवाइज चैप्टर से इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन को पार्ट में बनाकर दे सकता है। पॉइंट नंबर 2 ध्यान दो, फेमस क्वेश्चन, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा प्रोटीन क्या है, इसका वर्गीकरण बताओ, इसका वर्गीकरण बताइए। दूसरा, प्रोटीन की संरचना बताइए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ संरचना होती ना, तो प्रोटीन की संरचना आपसे पूछेगा क्या होगा, या पूछा है प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होगा, विकृतीकरण क्या होगा। तो याद रहे, ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया, ये 5 नंबर में आना है, श्योर एंड शॉर्ट है 100%। और दूसरा आ रहा हूं, लो तुम्हारा तो काम ही आसान कर दे रहा हूं मैं, नंबर ही कम हो जा रहा है। देख बेटा, कुछ नेम्ड रिएक्शन लिखने चल रहा हूं, जैसे कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा मैं बात करने चल रहा हूं रोजन मुंड अभिक्रिया, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन, ठीक है, विलियमसन संश्लेषण, हाफमैन ब्रोमाइड, ठीक है, कार्बिल एमीन, स्टीफन, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है।
राइमर टीमर, रीमर टीमन, रिएक्शन कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, कैनिजारो, एल्डोल, रोजनमुंड, विलियमसन, हाफमैन, कार्विलेविन, स्टीपेन, इटार्ड, रीमर्टिमर, कोल्बे, ठीक है। मेरे हिसाब से आप इतना पढ़ेंगे तो इनमें से पांच नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को बताओ, तो सबके बारे में एक एक लाइन आपको लिखना याद रहे। हिंदी में कुछ नहीं लिखना है, आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है, उसके बाद जो मर्जी कहे लिखो, बिना केमिकल रिएक्शन के कोई नंबर आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब जो मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक पैटर्न और बताता हूँ। ये तो रहा लास्ट के पाँच पाँच नंबर के दो क्वेश्चन, जिसमें आपको पेपर में ऑप्शन भी मिलेगा। और समझिए, ज़्यादातर यूपी बोर्ड में बच्चे पागल हो जाते हैं, कहते हैं कि आता है क्या होता है जब, ऐसा कैसे करेंगे, क्या होता है जब। परेशान मत हो, जिस बच्चे को नेम्ड रिएक्शन तैयार होगा वो क्या होता है जब में भी अपना काम कर जाएगा, अदरवाइज परेशान ही रहोगे। और ऑप्शनल आता है इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख बेटा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको दे देगा CH3, CH2, CH2, OCH3, और यहाँ पर दे दिया HBr, और ऐसे कह देगा कि बताओ क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। ऐसा भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आता है कि बताइए किसका प्रिपरेशन होगा, ठीक है। कुछ जो अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन पर मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी समझो, बीच बीच से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि इतने क्वेश्चन लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। सारे बच्चे PDF डाउनलोड करो और एक एक क्वेश्चन लगाओ, गारंटी अगर ईश्वर चाहेगा तो इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में 7 क्वेश्चन आते हैं, उनके दो दो तीन तीन पार्ट आते हैं, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है इनके पास कि ढेर सारे क्वेश्चन आए। रही बात CBSE की, तो लगभग 34-35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके पार्ट होते हैं, नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, आपके बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। तो जो पेपर दे रहा हूँ इस पर हार्डवर्क करिए, और कोशिश करूँगा कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक का भी पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो ये वीडियो बच्चों तक पहुँचाओ ताकि सारे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करके केमिस्ट्री में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BKT केमिस्ट्री।